वेलकम टू डे वो एंड द न्यू वीडियो ऑफ द सी के सीरीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्यूबेनिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दैट इज़ इनग्रेस इन क्यूबेनिटीज़ तो आज की वीडियो को अगर आप पूरा कम्प्लीटली देखते हैं एक एक टॉपिक को एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं तो आई एम हंड्रेड श्योर कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप इनग्रेस को मास्टर कर लेंगे तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और अगर कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है तो अब बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं इंग्रेस को समझना तो सबसे पहले हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम एक डेवलप्स इंजीनियर हैं एक अच्छी कंपनी के लिए काम करते हैं और हमारे पास में आज का टास्क है कि हमें एक वेबसाइट को डिप्लॉय करना है जिस वेबसाइट पे कोर्सेज सेल होने वाले हैं तो सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझते हैं तो होने क्या वाला है हमारे पास में एक डोमेन है माई कोर्सेज़ डॉट कॉम जिस पर वेबसाइट चलेगी हमारी और उस वेबसाइट के ऊपर हमारे पास में मल्टीपल पेजेस होंगे एक होगा हमारा होम पेज एक कोर्सेज पेज और एक होगा हमारा ब्लॉग्स का पेज अब बैकेंड के अंदर होने वैसा वाला है कि जैसे ही माई कोर्सेज डॉट कॉम पर रिक्वेस्ट आएगी तो जो भी हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ होगा होम पेज का उस पर वो ट्रैफिक जाना चाहिए सेम अगर माई कोर्सेस डॉट कॉम स्लैश कोर्सेज पर रिक्वेस्ट आती है तो कोर्सेज़ पेज पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए यानी कि कोर्सेज पेज का जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है वहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जानी चाहिए माई कोर्सेज डॉट कॉम स्लैश ब्लॉग्स पर अगर रिक्वेस्ट आएगी तो जहाँ पे भी हमारा ब्लॉग्स पेज डिप्लॉय हुआ होगा वहाँ हमारी रिक्वेस्ट जानी चाहिए तो ये चीज़ हमें क्लियर है कि हमारे पास में तीन अलग अलग पेजेस के तीन अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स होंगे और जो भी रेस्पेक्टिव हमारी यू आर एल से उसके अकॉर्डिंग हमारी रिक्वेस्ट उन पेज पर पे जाएगी अब केस नंबर वन हम समझते हैं केस नंबर वन में क्या होने वाला है माई कोर्सेज़ डॉट कॉम पर जैसी ही रिक्वेस्ट आने वाली है क्यूमिटीज़ के अंदर हमें डिप्लॉय करना है हमारा होम पेज और उस होम पेज की जो भी एसोसिएटेड आप सर्विस क्रिएट करोगे उस सर्विस पे हमारा ट्राफिक जो है माई कोर्सेज़ डॉट कॉम का जाना चाहिए यानी कि क्यूमिटीज़ में कुछ ऐसा होगा सेम अगर माई कोर्सेज डॉट कॉम स्लेश कोर्सेज पर अगर रिक्वेस्ट आएगी तो हमें सबसे पहले कोर्स पेज को एज़ ए डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय करना है उसके लिए सर्विस क्रिएट करनी है और उस सर्विस को टारगेट करेगा हमारा माई कोर्सेज़ डॉट कॉम स्लैश कोर्सेज वाला पेज आई I मीन mean, uh, वो यू उसको पॉइंट करेगी सेम ऐसा ब्लॉग्स के लिए होगा ब्लॉग्स का जो भी डिप्लॉयमेंट का जो भी रेस्पेक्टिव सर्विस है उसको ये टारगेट करेगा स्लैश ब्लॉग्स तो इस चीज़ को हम कहते हैं पाथ बेस्ड राउटिंग पाथ बेस्ड राउटिंग आप समझ पाए होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के अकॉर्डिंग जो भी उनकी रेस्पेक्टिव सर्विस है उस डिप्लॉयमेंट की वहाँ पर हमारा ट्रैफिक जाना चाहिए सेकेंड केस है हमारे पास में उसमें क्या होने वाला है माई कोर्सेज डॉट कॉम के अंदर ही हमने कुछ सब बनाए हैं सब क्या होंगे जैसे कि एग्जाम्स डॉट माई डॉट कॉम इसमें क्या होगा कि एक हमारा एग्ज़ाम पेज अलग से होगा उस एग्ज़ाम पेज की सर्विस होगी तो उस सर्विस जो हमारा एग्ज़ाम्स डॉट माई कोर्सेज डॉट कॉम है वो उस सर्विस को टारगेट करेगा सेकेंड हमारे पास में सेम एक सब डोमेन होगा वो होगा बुक्स डॉट माई डॉट कॉम तो उसका भी अलग डिप्लॉयमेंट बनेगा उस डिप्लॉयमेंट की जो सर्विस होगी वो उसको टारगेट करेगा तो इस चीज़ को हम कहते हैं होस्ट बेस्ड राउटिंग होस्ट बेस्ड यानी कि हमारे पास में मल्टीपल होस्ट होते हैं सब डोमेन्स होते हैं उनके भी अलग अलग पेजेस होते हैं उन पेजेस को हम डिप्लॉय करते हैं और उनकी जो एसोसिएटेड सर्विसेज होती है वो उनको टारगेट करते हैं थर्ड एंड लास्ट यूज केस जिसमें हमें लगाना है एस एस एल टर्मिनेशन उसमें क्या होगा हमारा जो माई कोर्सेज डॉट कॉम साइट है वो एस टी टी पी एस पे चलेगा यानी कि सिक्योरली एच डी पी एस प्रोटोकॉल के साथ में और जितने भी हमारे सब डोमेन्ग्जाम्स डॉट माई कोर्सेज डॉट कॉम या फिर बुक्स डॉट माई कोर्सेज डॉट कॉम उन पर भी हमारा एच डी पी एस 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 एल टर्मिनेशन लगना चाहिए तो तीनों चीज़ें हमने बात करी हमारे तीनों की पॉइंट्स पाथ बेस्ड राउटिंग होस्ट बेस्ड राउटिंग और एस एस एल टर्मिनेशन ये तीनों यूजर को हमारा जो क्लाइंट है उसको ये सारी रिक्वायरमेंट है उसको अपनी वेबसाइट कुछ इस तरह से चाहिए बट अगर हम अब तक का जितना भी हमने क्यूमिटीज़ को पढ़ा है पिछली वीडियोस में अगर ये टास्क हमें दिया जाए इसको डिप्लॉय करने का तो हम जितना अभी तक जानते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डिप्लॉय करेंगे हम एक डिप्लॉयमेंट बना देंगे सबसे सिंपल जहाँ पे हमारी वेबसाइट चल रही होगी अभी हमें मल्टीपल पेजेस का आइडिया भी नहीं है कि कैसे मल्टीपल पेज डिप्लॉय होगा तो हम सबसे पहले एक डिप्लॉयमेंट बना देंगे उस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करवाने के लिए हमें एक बनानी पड़ेगी सर्विस और अगर हमें सर्विसेज़ के बारे में पता है तो हमारे पास में तीन टाइप की सर्विसेज होती है क्लस्टर आईपी लोड बैलेंसर एंड नोट पोर्ट क्लस्टर आईपी पी जहाँ अगर हमें क्लस्टर के अंदर ही एक्सपोज़ करना है लोड बैलेंसर के लिए हमें एक लोड बैलेंसर प्रोविज़न करना पड़ता है क्लाउड पर नोट पोर्ट सर्विस के अंदर हमें एक नोट नोट पर एक पोर्ट अवेलेबल हो जाता है तो अभी जितना हम अच्छे से जानते हैं हम क्या करेंगे नोट पोर्ट सर्विस बना लेंगे जैसे ही हम नोट पोर्ट सर्विस बनाएंगे हमारे पास में एक पोर्ट ओपन हो जाएगा हमारे नोट पर और हमारी जो भी एप्लीकेशन है हमारी वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी और उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे एच टी टी पी कोलन आई पी कोलन पोर्ट से हम उसको एक्सेस करेंगे तो जैसे मान लो अगर हमारी आई पी कुछ ऐसी है और जो भी हमारे पास में पोर्ट आया है थर्टी थाउजेंड उसको देख कर हम आई पी कोलन पोर्ट से हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेंगे बट क्या ये चीज़ें जो हमें जान जो हम जानते हैं वो सारी चीज़ें हमारी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उससे मैच होती है जी बिल्कुल नहीं तो अब करना क्या है हमें तो हमारी एप्लीकेशन लाइव करवानी है माई कोर्सेज डॉट कॉम पर और उसके बैकग्राउंड में मल्टीपल पेजेस हैं जिसमें पाथ बेस्ड राउटिंग करवानी है होस्ट बेस्ड राउटिंग करवानी है और एस एस एल टर्मिनेशन भी करवाना है क्या अब तक क्यूमिटीज़ के अंदर हमें ये पता है कि ये चीज़ें कैसे होने वाली हैं तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं इनग्रेस के बारे में इनग्रेस क्या करवाता है इनग्रेस एक ए पी आई ऑब्जेक्ट है क्यूनिटीज़ के अंदर सेम जैसे कोई डिप्लॉयमेंट सर्विस ए पी आई ऑब्जेक्ट है इंग्रेस का काम क्या है इंग्रेस एक्सपोज करता है एस HTTP और एस टी राउट्स को फ्रॉम आउटसाइड द क्लस्टर क्या मतलब होता है अगर आप सर्विसेज़ को अच्छे से समझते हैं सर्विसेज क्या करवाती है हमारी जो भी एप्लीकेशन है उसको आउटसाइड द क्लस्टर एक्सेस करवाने का काम करती है तो सेम इंग्रेस भी वैसा ही काम करता है आउटसाइड द क्लस्टर हमारे जो भी एस और एस टी राउट्स हैं हमारी जो एप्लीकेशन है उसको लाइव करवाने का काम करता है पहले बात तो ये सेकेंड चीज़ पाथ बेस्ड एंड होस्ट बेस्ड राउटिंग हमारा ingress करवाता है कैसे करवाता है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर थर्ड एंड लास्ट दैट इज़ लोड बैलेंसिंग एंड एस एस एल टर्मिनेशन जो भी सारा लोड है कौन सा ट्रैफिक किधर जाने वाला है कैसे जाने वाला है विथ एस एस एल टर्मिनेशन के साथ में हमारा ingress प्रोवाइड करता है तो क्यूबिनिटीज़ के अंदर ही इतनी सारी फैसिलिटी है कि हम इतनी मल्टीपल चीज़ें क्यूबिनिटीज़ से हम अचीव कर सकते हैं कैसे करना है पढ़ते हैं तो होगा क्या Ingress के अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्यूबिनिटीज़ क्लस्टर है, Ingress को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें डिप्लॉय करना होता है Ingress कंट्रोलर जितने भी हमने कंट्रोलर्स के बारे में बात करी होती है कंट्रोलर्स क्या होते हैं क्यूबिनिटीज़ का एक ब्रेन है जो कंडीशन के बेस्ड पर सारे डिसीजंस को लेता है सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है बट किन चीज़ों को कंट्रोल करेगा सबसे पहले तो इन्ग्रेस कंट्रोलर्स जो होते हैं वो मल्टीपल कंट्रोलर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं मल्टीपल टाइप के इन्ग्रेस कंट्रोलर्स हैं जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्ग्रेस कंट्रोलर को डिप्लॉय करना पड़ता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी वहाँ पर आप सारे कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ सकते हैं और जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोलर डिप्लॉय होता है तो फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले हमें क्लस्टर के अंदर इन्ग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉय करना होता है सेकेंड चीज़ होती है कि अगर आपने अभी तक इंग्रेस कंट्रोलर चूज़ कर लिया है आपने डिप्लॉय कर लिया है तो हमें क्या करना होगा एक इंग्रेस की रिसोर्स की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी इंग्रेस रिसोर्स फाइल क्या होती है इंग्रेस रिसोर्स फाइल एक यामल फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम राउटिंग के रूल्स लिखते हैं राउटिंग रूल्स क्या होते हैं अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स या स्विच के इसके बारे में पढ़ा होगा तो यानी उसमें क्या होता है कि एक कंडीशन के बेस्ड पर एक एक्शन को परफॉर्म किया जाता है तो सेम चीज़ यहाँ पे हम इस यामल फ़ाइल में लिखते हैं कि कौन से डोमेन पे जब रिक्वेस्ट आए तो हमें बैक एंड के अंदर कौन सी सर्विस पे वो ट्रैफिक भेजना है कौन से पाथ पे अगर रिक्वेस्ट आती है तो कौन सी बैकेंड सर्विस को वो टारगेट करने वाला है ये सारी चीज़ें हम इस यामल फ़ाइल के अंदर लिखते हैं तो ये कहलाती है हमारी Ingress रिसोर्स की फ़ाइल जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है Ingress कंट्रोलर इसी चीज़ को देख कर इस Ingress रिसोर्स की फाइल को देख डिसीजन लेता है इन सारे ट्रैफिक्स को हैंडल करता है तो अब जितना अब हमने पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा वो इस तरह से होगा हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा माई कोर्सेज डॉट कॉम पर वो रिक्वेस्ट माई कोर्सेज डॉट कॉम कि रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी उस इंग्रेस की सर्विस पे इंग्रेस कंट्रोलर की सर्विस पे क्योंकि इंग्रेस कंट्रोलर भी आप डिप्लॉय करोगे उस डिप्लॉयमेंट की एक सर्विस होगी उस सर्विस को टारगेट करेगा हमारा माइक कोर्सेज डॉट कॉम कंट्रोलर बैकेंड के अंदर क्लस्टर के अंदर बनी हुई इंग्रेस रिसोर्स की यामल फाइल को देखेगा उसके अंदर जितने भी राउटिंग रूल्स हैं उनको पढ़ेगा और उस राउटिंग रूल और रिक्वेस्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग कौन सी सर्विस है यानी कि माई कोर्सेज डॉट कॉम पर आई है तो हमें होम पेज पे भेजना है तो होम पेज का भी जो भी डिप्लॉयमेंट है उस डिप्लॉयमेंट की जो एसोसिएटेड सर्विस है उस पर रिक्वेस्ट चली जाएगी और सर्विस क्या करती है हमें पता है ये सर्विस जितने भी बैकेंड के अंदर डिप्लॉयमेंट के सारे पॉर्ट्स चल रहे हैं उन पर वो सारा ट्रैफिक चले जाएगा तो ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर है कि किस तरह से पूरा फ्लो होता है जैसे ही क्लाइंट हिट करता है हमारे यू को और बैकेंड के अंदर वो सारे पॉट्स तक वो रिक्वेस्ट कैसे जाती है अब हम देखते हैं कि हमारी इनग्रेस रिसोर्स की फ़ाइल दिखती कैसी है इनग्रेस रिसोर्स की फाइल में हमारा ए वर्जन होता है नेटवर्किंग डॉट ये डिफरेंट है जितना भी अब तक हमने कवर किया है उसके अंदर हमारा काइंड हो जाता है इनग्रेस और मेटा डेटा के अंदर हम जो भी हमें नाम प्रोवाइड करना है वो नाम हम प्रोवाइड कर देते हैं स्पेक्स के अंदर हमें रूल्स प्रोवाइड करना है क्योंकि हम क्या करते हैं इन्ग्रेस्ट रिसोर्स फाइल के अंदर राउटिंग रूल्स लिखते हैं तो रूल्स का एक ऐरे होता है जिसके अंदर हम होस्ट पहले बताते हैं यानी कि कौन से डोमेन की हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं माई की उसके अंदर हमें एच के जो भी पाथ्स हैं उन पाथ के बारे में बताना होता है कि अगर स्लैश पे रिक्वेस्ट आती है तो बैकेंड के अंदर एक सर्विस चल रही है उस सर्विस का नाम है होम हाइफन सर्विस उसके पोर्ट 8080 पे एटी हमारा ट्रैफिक जाना चाहिए सेम अगर स्लैश कोर्सेस पाथ पे रिक्वेस्ट आती है तो बैकेंड के अंदर हमारी एक सर्विस चल रही है कोर्स हाइफन सर्विस वो पोर्ट 81 81 पे चल रही है तो वहाँ पे हमारा ट्रैफिक जाना चाहिए तो बिल्कुल इजी है यानी कि कंडीशंस प्लस एक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस कंडीशन बैक बैंक के अंदर हमें क्या डिसीजन लेना है क्या एक्शन लेना है ये सारी चीज़ें हमें इनग्रेस रिसोर्स की फाइल के अंदर लिखनी पड़ती है तो इस वीडियो में हमने थेरेटिकली सारी चीज़ों को एक एक टॉपिक और एक एक कंसेप्ट को समझा है कि इंग्रेस क्या होता है और कैसे वर्क करता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं पाथ बेस्ड राउटिंग पोस्ट बेस्ड राउटिंग और एस टर्मिनेशन एक वेबसाइट पर लगा कर मल्टीपल पेजेस के साथ में पूरा परफॉर्म करके प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो तो हमें ज़रूर देखनी है अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने वाले हैं